तो जहां से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, उस जर्नी में जो लोग आपके उस वक्त जजेस थे, जिस वक्त आपने कहा था वैसे भी आप लोग हमें भूलेंगे नहीं, और मनीषा ने उस चीज को प्रूफ किया क्योंकि वो लोग मनीषा को नहीं भूले। आज मनीषा बिग बॉस के घर में है, कुछ ही वक्त वोटिंग के लिए बचा है, भर भर के सपोर्ट कर लीजिए क्योंकि आज वो लोग भी खड़े हुए हैं मनीषा रानी के लिए। जब मनीषा ने एक रियलिटी शो किया था जिसमें मनीषा को इतना प्यार मिला था, लोग मनीषा को देख करके इतना ज़्यादा खुश हो गए थे, जिस तरीके से मनीषा बात करती हैं, तो मनीषा को बहुत पसंद किया गया था। तो पुनीत पाठक ने कहा था कि मैं आपको नहीं भूलूंगा बिल्कुल भी, मतलब मैं भूल ही नहीं पाऊंगा, और उस वक्त मनीषा ने कहा था कि आप भूल पाओगे ही नहीं। और यहाँ पर मुदस्सर सर ने कहा था कि तुम यार मतलब सुपर सुपर हो। उस वक्त मनीषा ने कहा नहीं, हम वन पीस है। तो जो बात बोली थी ना कि भूल नहीं पाओगे, उन्होंने बोला और मनीषा ने कहा आप भूल पाएंगे भी नहीं। तो सच्ची बात है कि मनीषा को कोई भी भूल नहीं पाया है क्योंकि जो सपोर्ट मिला है। अब यहाँ पर मुदस्सर खान जो कि कोरियोग्राफर हैं, जज रह चुके हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया उस पुरानी वीडियो को और ये एहसास दिलाया कि देखो मनीषा, हम तुम्हें नहीं भूले हैं, फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं मनीषा रानी को मुदस्सर खान। उन्होंने वो पुरानी वीडियो पोस्ट किए एंड दिस इज़ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट क्योंकि इतने साल पहले मनीषा ने कोई चीज़ बोली थी और फिर अपने आप को उसने प्रूफ किया और लोगों को याद है। जब तक कि आप प्रूफ नहीं करते हैं तब तक के देखिए कोई किसी को याद नहीं रखता है, और मनीषा ने प्रूफ किया अपनी कही हुई बातों को। जैसे कि उन्होंने बोला था पुनीत पाठक ने कि आपको नहीं भूल पाएंगे, तो मनीषा ने कहा भूल ही नहीं पाएंगे हमको, और वो चीज़ सच है। फिलहाल अप्रिशिएट करती हूँ मनीषा की जर्नी को और बस यही कहूँगी कि बहुत कम समय है यार, भर भर के वोट करो, जिसको भी वोट करना है वोट करो, लेकिन मनीषा देखो डिजर्व करती है आगे जाना। थैंक यू।